सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। लोकसभा में सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर पहली बार दिल्ली की समस्या पर बोल रहे थे। गौतम गंभीर ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण और आने वाले इसके नुकसान से सदन को अवगत कराया। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली के मौजूदा हालत पर एक शेर भी पढ़ा। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एक बार सुनिए क्या बोले गौतम गंभीर। ऑनरेबल स्पीकर सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज माय मेडन स्पीच इन दिस ऑगस्ट हाउस। आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर एक्चुअली शोइंग ट्रस्ट इन मी एंड गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। सर, एज आई रेड समवेयर एंड आई कोट, ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं, फिजाओं में जहर है। सर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन आर स्टेट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ड्यू टू दिस पोल्यूशन एवरी डे लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन इज गेटिंग अफेक्टेड। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन स्कूल्स गेट शट एवरी ईयर। स्टेट इश्यूज एडवाइजरी दैट पीपल शुड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज इफ इट इज नॉट नेसेसरी। बट वॉट एक्चुअली आर वी डूइंग फॉर दिस? अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट डूइंग इनफ। According to WHO, 14 out of 15 cities in the world, the most polluted cities in the world are from India, and Delhi is unfortunately the most polluted capital in the world. Sir, I would like to talk about my constituency. My constituency, East Delhi constituency, is famous for the largest and oldest garbage dump, Ghazipur landfill. It was started in 1984. Sir, I think there is no thing as away. When we throw something, it goes somewhere. And in this case, the garbage from Eastern, Central and Old Delhi finds its way to the Ghazipur landfill. So this landfill has reached the height of 65 meters, which is just 8 meters less than the height of National Monument Qutub Minar. So I would definitely like to request the Honorable Ministers to take necessary steps to come up with some action plan before it gets too late and we reach a point where there is no return. Finally, sir, since the public has no hope from the Delhi government, so I request the central government to also resolve the problem of Ghazipur landfill and prepare a national policy for better waste management. Thank you, sir. इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7 को।